तो हम अभी ना घर के हैं ना घाट के। देखो इसकी हालत, सो गई है। अभी हम हैं मिस्ट्री माउंटेन के हॉल या फिर स्टोर रूम कह सकते हैं अब इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी चीजें हैं रखी हुई है और हम लोग अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पर स्टे के लिए नहीं आए हैं, तो रूम्स हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हमको स्टे तो करना नहीं है यहाँ। हमें जाना है, हमारा नज़दीक है। अगर कोई लोग आते हैं वेकेशन पे स्टे के लिए, रहने के लिए यहाँ पर, तो वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छा है घूमने के लिए, जंगलों के बीच में आपको बिल्कुल एडवेंचरस फील होगा यहाँ। एक बार हम लोग थोड़ा ऊपर तक घूम के आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और ये एरिया पूरा इनका प्राइवेट है। पूरा रिजॉर्ट एक जंगलों के बीच में बना हुआ है, अलग सा फील आता है यहाँ के। चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं यहाँ। ये वाला कॉटेज भी काफी मस्त लग रहा है यहाँ पर। ठीक सामने पर दिखता है यहाँ से बेरीनाग, और बेरीनाग से ये जगह होगी 10 से 12 किलोमीटर। ये देखिए गाइज, एक स्पेशल इनोवेशन जो कि डाइनिंग टेबल बनाया गया है पहाड़ी पाथर से। काफी बड़ा है ये रिजॉर्ट, और यहाँ जो सामने बिल्डिंग्स हैं, यहाँ वो लोग बता रहे हैं कि गेस्ट लोग आए हैं तो गेस्ट की प्राइवेसी के लिए उधर जाना अभी मना है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है इधर भी। तो अभी यहाँ पर लोगों से बात की हमने जो यहाँ काम करते हैं लोग, तो वो लोग बोल रहे हैं कि खाने पीने की तो कोई व्यवस्था नहीं है अभी, क्योंकि पहले से प्री ऑर्डर होता है इधर, प्री बुक होता है। और ये है इन लोगों का रेस्टोरेंट, और चाय पानी मिल जाएगी हमको, चाय कॉफ़ी, तो हम लोग चाय कॉफी पी लेते हैं अभी। यहाँ पर जो है ये है एंट्रेंस इस रिजॉर्ट का, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बनाया गया है, और सारी फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर उगाए हैं इन्होंने। फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स के भी पेड़ हमने देखे हैं यहाँ पर, संतरे, माल्टे, ये सब। काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर इनका अपना प्राइवेट एरिया, इनका ये रिजॉर्ट है। ये देखिए, इन्हीं पत्थरों का यूज करके ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर चीजें बनाई गई है। टेबल आपने देखा होगा, तो ये जो पत्थर है ये ही यूज किए गए हैं। सारे रास्ते जो वहाँ पर लगे हुए हैं ऊपर, रास्तों में भी यही पत्थर यूज किए गए हैं। काफी घूम लिए हम लोग, अब जा रहे हैं वापस घर को, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है वो बुकिंग पर मिलता है। जैसे कि बुकिंग पर लोग आए हैं पहले से, तो उनके लिए खाना अवेलेबल है, हमें खाना नहीं मिला क्योंकि हमने बुकिंग तो की नहीं थी। तो इसलिए जा रहे हैं वापस क्योंकि भूख लग गई है अब। और आपसे, आपके लिए एक सजेशन रहेगा, जब आप यहाँ आएंगे बुकिंग से आएंगे तो ही आपको खाना यहाँ पर मिल पाएगा। अदरवाइज अगर आप घूमने के लिए आए तो अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ चीजें लेके आए। वैसे हम भी लेकर आए हैं स्नैक्स, खाएंगे अभी रास्ते में, और लंच करेंगे अगर कहीं रास्ते में कोई ढाबा मिल गया तो। ठीक, काफी थक चुके हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए। थोड़ा बहुत हम लोग साथ में ले आए थे कुछ स्नैक्स वगैरह, तो वो सब खा लेते हैं, और थकान लग चुकी है बहुत ज़्यादा।
हम लोग लाए हैं अपने साथ बहुत सारी चीजें खाने के लिए, तो ये सब चीजें हम खा लेते हैं। भूख लग गई है बहुत ज्यादा। उधर रेस्टोरेंट में हमको कुछ खाने को मिला नहीं, तो ऐसे ही पेट पूजा कर लेते हैं हम लोग अभी। फिर से एक बार हम पहुंच गए हैं झलतोला इंटर कॉलेज के पास, और अभी थोड़ा ही रह गया हमारा पैदल चलना, फिर चलेंगे गाड़ी से। पहुंचने वाले हैं हम राम मंदिर वापस, जहां पर हमने गाड़ी लगाई थी, और बहुत ज़्यादा पैर थक चुके हैं। मतलब नीचे को पूरा डाउन है अभी जाने को, उसमें भी पैर थक गए हैं। और एक तो ये होगा कि हमें खाने को कुछ नहीं मिला वहाँ, इसलिए अब हम जाएंगे पहले गंगोली हट, कुछ ना कुछ खा के आएंगे, क्योंकि यहाँ खाना मिलेगा करके हमने घर पे भी मना कर दिया था। तो हम अभी ना घर के हैं ना घाट के, सो हम लोग जाएंगे गंगोली हाट और वहाँ खाएंगे कुछ ना कुछ फास्ट फूड, खाना ही पड़ेगा। पहुँच चुके हैं हम लोग राम मंदिर, ये नीचे पे हमने गाड़ी लगाई है, दिख रही है गाड़ी। मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, अब धूप है हल्की लेकिन बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं गाड़ी के सामने, निकलते हैं हम लोग, निकल रहे हैं हम लोग राम मंदिर से घर की ओर। टाइम लेना जरूरी है। आज की हमारी थकान महसूस कर सकते हैं आप लोग, देखो इसकी हालत, सो गई है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गंगोली हाट, और फाइनली अब लग रहा है कि खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और भूख लग चुकी है बहुत ज़्यादा तेज, और शाम के बज चुके हैं 5 और जल्दी घर भी पहुंचना है। ये है गंगोली हाट की मार्केट, और मौसम हो रहा है बहुत ही मस्त, धूप आ रखी है, हल्के हल्के बादल हैं, मस्त मौसम हो गया है। अभी हम पहुंच गए हैं गंगोली हाट, और यहाँ पे ऑयल भरा रहे हैं, फिर खाना पीना खा के निकलते हैं घर को वापस। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5 और अभी हम लोग गंगोली हाट से वापस जा रहे हैं घर को। सुबह से हमने कुछ खास खाना पीना कुछ खाया नहीं था, तो अभी थोड़ा बहुत मोमोज वगैरह खा लिए हैं, सूप पी लिया है, तो थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी सी आ गई है। पूरा दिन ही लग गया हमारा वहाँ जाके आज। शाम के 5:30 बज गए हैं, अभी तक हम लोग घर पर नहीं पहुंचे हैं, बट अभी हम लोग पैदल रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी पार्क कर दी है नीचे। तो आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा, और काफी थकान भी हो गई, गाड़ी से था लगभग 20 किलोमीटर था, 20-40 किलोमीटर हम लोग गाड़ी से चले, और पैदल भी काफी था, 4 किलोमीटर तो पैदल एक साइड का होगा, तो 8 किलोमीटर पैदल चले हम लोग, तो इसलिए पूरा दिन ही लग गया। हम सुबह 10 बजे घर से निकले थे, और अभी 5:30 बजे हम लोग रास्ते में ही है अभी भी, और थकान भी बहुत ज्यादा हो गई, भूख भी लग गई थी, तो हम लोग मार्केट में अभी कुछ खाने के लिए गए थे, वहाँ खाना पीना कुछ मिल नहीं पाया, तो हम लोगों ने कुछ फास्ट फूड खा लिया, मोमो चाउमीन ये सब खा लिया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे,
उसके बाद अभी 4:30 बजे हमने खाना, 4:30 या फिर 5 बजे हमने खाना खाया है। थकान बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि चलना बहुत था तो पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।